तेरे घर के सामने एक घर बनाऊंगा, तेरे घर के सामने दुनिया बसाऊंगा, तेरे घर के सामने। तो हम कहाँ आ गए हैं? दुबई हिल्स इस्टेट। ये काफ़ी न्यूली डेवलप्ड बाय एमआर के थ्रू बनाया हुआ एक बहुत ही स्प्रॉलिंग ग्रीन एरिया है, जो कि एक फ्रेंडली कम्युनिटी है, फैमिली बेस्ड कम्युनिटी है। देख सकते हैं आप कितने प्यारे प्यारे मॉडर्न स्टाइल के विलास चारों तरफ बने हुए हैं। अभी मैं अंदर से आपको विला टूर भी कराऊंगी, पहले आप देख लीजिए रोड्स के थ्रू कैसे जाते हैं। वेरियस सेक्शंस में डिवाइडेड हैं, बहुत सारे टाइप के आपको विलाज मिलेंगे, 3 BHK, 4 BHK, डिपेंड्स अपॉन यू कि आपको किस तरीके का विला चाहिए। आप देख सकते हैं साइड में किस तरीके की कम्युनिटी है। ये देखिए रोड्स वगैरह वेल लेआउट हैं, और इवन आप देख सकते हैं लैंडस्केप गार्डन्स हैं अंदर, और काफ़ी ग्रीनरी है। जैसे कि दुबई में ग्रीनरी को मतलब, जैसे कि डेजर्ट एरिया है तो ग्रीनरी आपकी आंखों को बहुत अच्छी लगती है, और काफ़ी हाईली सिक्योर्ड है। जब आप एंटर करते हैं तो सिक्योरिटी भी काफ़ी अच्छी है। अब आप देख सकते हैं हम विला कम्युनिटी में एंटर कर रहे हैं, डिफरेंट कम्युनिटीज़ हैं। अब हम एक घर आपको अंदर से दिखाएंगे कि किस तरीके के यहाँ पर घर हैं। सो दुबई हिल्स इस्टेट बाई एमआर, इट इज़ अ न्यूली डेवलप्ड विलास कम्युनिटी नियर दुबई हिल्स मॉल। अब आप देखिए हम एंटर हो रहे हैं, ये ओपन किचन स्टाइल है। किचन देखिए कितना प्यारा है, और गेस्ट पाइपलाइन है यहाँ। ये देखिए कितना बड़ा हॉल है, मॉडर्न स्टाइल का यहाँ बिल्टअप है। अभी इसके बाहर जो ओपन एरिया है, ये देखिए किचन भी ओपन है, तो यहाँ गैस पाइपलाइन भी है, इलेक्ट्रिक भी है, आप दोनों यूज़ कर सकते हैं। नीचे आप फ्लोरिंग देख सकते हैं काफ़ी अच्छी है। इसके पीछे एक मेड रूम है, किचन के पीछे साथ में एक पाउडर रूम है, एंड एक 1 बेडरूम है नीचे। जैसे कि आप ओल्ड एज हैं या छोटे बच्चे हैं, नीचे रेस्ट करना चाहते हैं ना, नीचे एक बेडरूम भी है विद द बाथरूम। आप डोर्स वगैरह देख सकते हैं, वुडन टेक्सचर है। अब ऊपर बाकी के रूम्स ऊपर हैं, ये एंट्रेंस है, एंट्रेंस के पास एक रूम है और किचन के पीछे एक मेड रूम है, और जो एंट्रेंस के पास एक रूम है उसके बाहर भी ओपन एरिया है गार्डन की तरफ जो खुलता है। वार्डरोब्स आप देख सकते हैं, काफ़ी एम्पल स्टोरेज स्पेस है इसके अंदर, तो वो भी पहले से बिल्ट इन वार्डरोब्स हैं। तो आपको जस्ट मूव करना है, आपको कुछ वुडवर्क या वो सब कराने की ज़रूरत नहीं है। ये देख सकते हैं आप AC का अरेंजमेंट। इसके साथ अब मैं आपको बाथरूम दिखा रही हूँ, जो नीचे वाला बेडरूम है, क्यूबिकल बिल्ट इन है, सब कुछ फिटिंग एंड फिक्स्चर्स बहुत ही ज़्यादा लग्जूरियस हैं। अब मैं हॉल की तरफ जा रही हूँ, जो कि बहुत ही वाइड मीन्स बिग हॉल है। उसके पीछे एक ओपन स्पेस दी है और सामने भी ओपन स्पेस दी है बैठने के लिए। किचन ओपन है विद द आइलैंड टॉप मीन्स टेबल टॉप। अब ये बाहर देखिए कितना बड़ा गार्डन है, कितना लैविश गार्डन आप बना सकते हैं। सो उन्होंने आपको ओपन वो दिया है गार्डन के लिए, कि आप चाहें तो इसको पक्का भी करवा सकते हैं, चाहें तो आप इसको गार्डन भी बना सकते हैं, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन यू। अब हम जा रहे हैं ऊपर की तरफ, वहाँ देखा हमने ये मास्टर बेडरूम का बाथरूम है, कितना बड़ा है, लग्जूरियस है। इवन आपकी इन फिटिंग फिक्स्चर्स ग्रेनाइट टॉप्स देख सकते हैं। ये एनसुइट बेडरूम है, अलग से एक स्टोर्ड मतलब स्टोरेज एरिया दिया है बेडरूम के, जो आप क्लोज कर सकते हैं। ये देखिए बेडरूम की बालकनी आप यहाँ से देख ही रहे होंगे कितनी बड़ी है एज अ रूम टाइप, और ये बेडरूम है जिसका व्यू है कम्युनिटी व्यू। अब हम दूसरा बेडरूम गए हैं जिसके अंदर बहुत सारी स्टोरेज है, बीच में एक छोटा सा स्पेस है जहाँ आप सिट आउट बना सकते हैं। ये तीसरा बेडरूम है, 3 बेडरूम्स ऊपर हैं, इसके अंदर सबके अंदर बिल्ट इन वार्डरोब्स है, एक छोटा सा बीच में स्पेस है जहाँ बैठने का बना सकते हैं, आप टीवी रूम बना सकते हैं, कॉमन रूम बना सकते हैं। ये देखिए कॉमन बाथरूम है 2 बेडरूम्स के बीच में, क्योंकि ऊपर 3 बेडरूम्स हैं। एक और ये बेडरूम है जिसका कम्युनिटी फेसिंग व्यू है। सब बेडरूम्स में अपनी अपनी वार्डरोब्स दी गई हैं, तो आप देखिए कितना प्यारा लग रहा है। अब ये ऊपर का एरिया है सिट आउट के साथ, तो ऊपर एक सिट आउट दिया है और 3 बेडरूम्स दिए हैं विद लॉट ऑफ विंडोज। नाउ आप स्टेयर केस देखिए, उसकी फ्लोरिंग देखिए, आई एम फोकसिंग मोर ऑन द फ्लोरिंग ऑल्सो सो दैट यू कैन सी कैसी फ्लोरिंग है, विंडोज हैं, विंडोज से क्या दिख रहा है आप देख सकते हैं। तो एक तरीके से मैं वर्चुअल टूर दे रही हूँ, जिससे कि आप जब साइट पर जाएं तो एक आपको आइडिया हो कि हाउ इट लुक्स। अगर आपको पसंद आ रहा है तो आप जाइए, वरना फिर ऐसा लगता है कि अरे हमें इस टाइप का लेआउट पसंद नहीं है तो हम हमारा टाइम वेस्ट हो गया अगर हम आए तो। तो आप देख सकते हैं पूरा लेआउट घर का, अंदर से बिल्कुल फर्निश्ड नहीं है, तो आप समझ सकते हैं कितना स्पेस मिल रहा है, उससे आपको आइडिया होगा। क्योंकि कई बार जब फर्नीचर रखा होता है यू डोंट गेट द आइडिया। नाउ द किचन इज़ वेरी बिग, वेरी मच ओपन, सो इट्स का घर का जो डेकोर है इट्स वेरी मच मॉडर्न। आउटसाइड व्यू हाउस का ऐसा है विद द गैरेज।
यू कैन सी हाउ स्पेशियस इट इज़। इस तरफ भी गार्डन है पीछे की, मतलब एंटर करते टाइम भी, और हॉल के सामने की साइड भी गार्डन है। आप बोथ साइड्स यू कैन पुट द गार्डन। और गैरेज में दो कार्स आ सकती हैं, बिग साइज कार्स आ सकती हैं। सी द कम्युनिटी हाउ इट लुक्स, आमने सामने पूरा लेन है ये घरों का, सो इट इज़ वेरी मच फैमिली बेस्ड। तो फिर आपको कैसा लगा? दूसरे पड़ाव पे चलेंगे हम दुबई के और बताएंगे आपको नए नए हिस्से, क्योंकि ट्रैवल में एक तरीके से ये भी तो होता है कि अपना शहर देखिए। तो चलो मिलते हैं।